दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक स्पॉट बिल्डर जिसके थ्रू आप पावर बैंक बना सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक बैटरी पैक बना सकते हैं। एक्चुअली मैं अपने चैनल को धीरे से अब ईवी बाइक्स और ईवी स्कूटर्स की तरफ मोड़ने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं उसी की कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूं। और यहां पर मुझे चाहिए होगा स्पॉट बिल्डर। अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदता हूं तो सर्किट बोर्ड ही इसका स्पॉट बिल्डर का लगभग लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का आ जाता है, जिसकी कोई खास वारंटी गारंटी होती ही नहीं है। तो जब इतना महंगा आप ले सकते हैं तो क्यों ना हम लोग इसे एक बार बनाने की कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में मैं इस स्पॉट वेल्डर को बनाने वाला हूं, जहां पर मुझे एक मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मॉसफेट आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहां पर ले रहा हूं IRF Z44N। अगर आप अभी देखें तो आपको यहां पर दो की जगह केवल एक मॉसफेट दिख रहा होगा, जबकि यहां पर दो मॉसफेट हैं। तो ऐसे ही 8 मॉसफेट को आपको ले लेना है और एक जैसे ऊपर लगाते जाना है, और उनकी ड्रेन सोर्स और सभी पिंस को आपस में शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट करके उसे एक अरेंजमेंट में लगा लेना है कुछ इस तरह की पीसीबी पर इस तरीके से। और ऑलरेडी मैंने इसे 8 पीस के मॉसफेट के साथ बना लिया है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट अगर आप देखें तो आप सोचेंगे कि भाई आपने तो ऑलरेडी वायरिंग कर लिया है, तो जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है। सभी मॉसफेट का ड्रेन एक में कनेक्टेड है, सोर्स एक में कनेक्टेड है और एक ही में कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपको कोई अरेंजमेंट कर लेना है। आपका अरेंजमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर किसी भी मॉसफेट का सोर्स और इसके बीच में हमें कनेक्ट करना है हमारे 10K के रजिस्टर को। तो इस तरह से हमें इसमें 10K के रजिस्टर को कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे इस सभी मॉसफेट के किसी भी मॉसफेट के गेट पर हमें 100 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि बाद में हमारे लिए यही डेटा इनपुट का काम करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग इसे कहीं पर भी दूसरा पिन कहीं पर सोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि वो कहां पर जाकर के फिक्स होता है। लेकिन फ़िलहाल ये अभी कहीं पर भी और यूज़ नहीं होगा, तो इसे हम लोग जस्ट ऐसे ही कहीं पर मोड़ देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक ऑक्टोकपलर जिसका नंबर है PC817, और इसके बाद एक 2.2K का रजिस्टर। तो इसे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं हमारे इस ड्राइवर के साथ। तो इसमें पिन नंबर 1 पर 2.2K का रजिस्टर कनेक्ट होगा और वो जाकर के कनेक्ट होगा हमारे इन सभी मॉसफेट के ड्रेन पर। तो यहाँ तक हमारा जो स्पॉट वेल्डर का ड्राइवर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हमें अपने इस ड्राइवर को पावर पहुँचानी है और साथ में हमारे एक ऑर्डिनो को, या फिर आप यहाँ पर कोई टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं, उसे पावर पहुँचानी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट का रेगुलेटर यूज़ करेंगे, जो कि होगा 7805 नंबर की IC, और इसी से हम लोग 5 वोल्ट जनरेट कर पाएंगे 12 वोल्ट से। और यहाँ पर हम लोग एक कैपेसिटर भी यूज़ करेंगे। तो रेगुलेटर को कुछ इस तरीके से हम लोग प्लेस कर लेते हैं और इसकी भी सोल्डरिंग कर लेते हैं, और अब लगा लेते हैं इसमें कैपेसिटर को। तो रेगुलेटर का जो बीच वाला लेग होता है वो नेगेटिव होता है, फर्स्ट लेग इसकी पॉजिटिव होती है 12 वोल्ट, और आउटपुट में 5 वोल्ट यहाँ से निकलता है। तो इसे हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है और ये बोर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पिन के इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बहुत ही ईजी सर्किट है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से इसे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए मैंने कैमरे को ऑफ कर दिया था। तो इसे हम लोग देने वाले हैं 12 वोल्ट इनपुट, जो कि माइनस का पिन यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, और इस यहाँ पर वेल्डिंग का आउटपुट है। तो पॉजिटिव से और वेल्डिंग के आउटपुट से हमें दो मोटे वायर निकालने हैं, जो कि स्पॉट वेल्डिंग के लिए काम आएंगे, जहाँ पर कॉपर की मोटी टिप कनेक्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ इनपुट्स भी हैं और कुछ आउटपुट्स भी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आर्डिनो इसमें कनेक्ट होगा, जो कि इसे पल्स देगा कुछ सेकंड के लिए। तो 5 वोल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड होगा अगर आप देखें तो। और इसके बाद यहाँ पर दो और पिंस भी कनेक्टेड हैं, जो कि 5 और 9 लिखा हुआ है। तो 5 पर हमारा इसका आर्डिनो का 5 पिन कनेक्ट होगी, और जहाँ पर 9 लिखा हुआ था वो कनेक्ट होगा हमारे आर्डिनो के A0 पिन पर, जो कि यहाँ पर होता है। और आर्डिनो की कोडिंग भी मैंने ऑलरेडी कर ली है, और इस पूरे सर्किट को मैंने टेस्ट भी कर लिया है, और आर्डिनो की कोडिंग मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसे इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। आर्डिनो यहाँ पर बेसिकली ये काम करेगा,
कि हमें हमेशा स्पॉट वेल्डिंग के टाइम पर हमें लगातार वोल्टेज को इंसर्ट नहीं करना होता है किसी स्पॉट पर, बल्कि बहुत ही मिली सेकेंड के लिए, एक सेकेंड का दसवें भाग पर हमें स्पॉट को टच करना होता है वोल्टेज को, ताकि जो हमारा निकल प्लेट है वो जल ना जाए, उस पर बर्निंग मार्क्स ना आ जाए, क्योंकि बर्निंग मार्क्स आने पर निकल पतला हो जाता है, यानी एक तरह से वो वियर एंड टीयर में आ जाता है। तो इस वजह से एक सेकंड के दसवें भाग के लिए ही हम लोग यहाँ पर करंट को छोड़ेंगे, एम्पियर को छोड़ेंगे, जो कि हमारे स्पॉट वेल्डिंग के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि लंबे समय तक के बाद में हमारी बैटरी भी हीट होगी और निकल प्लेट भी ख़राब हो जाएगी। इस वक्त हमारा जो स्पॉट वेल्डर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आर्डिनो यहाँ पर कनेक्टेड है और इसकी जो लाइट है वो भी देख सकते हैं आप, ऑन है यहाँ पर, और ये भी ऑन है और ये भी पल्स भेज सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्टेड हैं। ये है बाइक की एक 5Ah की बैटरी, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने अपने इस स्पॉट वेल्डर से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया ही था कि ये इसका वो पोर्शन है जहाँ से हम स्पॉट वेल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास लिथियम आयन की बैटरी और निकल प्लेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं आपको एक एग्जांपल ज़रूर दिखा सकता हूँ अपने इस न्यू रेंज पर कि ये इस पर कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई ख़ास ऑप्शन यहाँ पर दिखता नहीं है मार्क, और आपको पता है कि इतने मोटे प्लेट के साथ ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी निकल प्लेट काफ़ी पतली होती है, 0.1 mm, 0.2 mm की होती है, तो वहाँ पर वो उसे तो गला देती है, लेकिन इसके साथ ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन स्पॉट वेल्डर होने की वजह से ये थोड़ा बहुत मार्क जरूर छोड़ देगा। आपने आवाज़ सुना ही होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसकी वेल्डिंग कुछ इस तरीके से होनी है। ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है जिसकी वजह से इस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये आखिर में प्रॉपर तरीके से कैसे काम करेगा, जो कि मैंने लिथियम आयन बैटरीज़ को ऑर्डर कर दिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन उसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वेल्ड कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नए वर्जन का स्पॉट वेल्डर बनाएंगे, जहां पर हम लोग इससे कम कंपोनेंट के अंदर एक स्पॉट वेल्डर तैयार करेंगे। थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन वो ज़्यादा रिलायबल होगा। और एक चीज़, इसमें लगे हुए सभी कंपोनेंट का बाय लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो मैंने इन सभी कंपोनेंट को utisource.com से ख़रीदा हुआ है, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो हमें काफ़ी जल्दी मिल जाया करते हैं, अगर आप इसे बल्क में या फिर फुटकर में भी परचेज करते हैं तो भी। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार बाय बाय।